ನೇತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಘರ್ಷಿ, ಸಂವೇದನಶೀಲ, ಮೃದುಭಾಷಿ ಪಹಚಾನೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಜನೀತಿ ಕೆ ಸಿತಾರೆ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಹಮಾರೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಜೀ ಕಿ ಪಹಚಾನ್ ಹೈ. ಮೇ ಉನ್ಸೆ ಮಿಲಾ ಹುವಾ ಮಾನ್ಯ ಹಮಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೇಂದ್ರ ರಾಮದಾಸ್ ಜೀ ಕೆ ಸಾಥ್ ಏಕ್ ದೋ ಬಾರ್ ಮೇನೆ ಬಹುತ್ ಲೀಡರ್ ಸೆ ಮಿಲ್ತಾ ಹೂ. ಲೇಕಿನ್ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಜೀ ಕಾ ಜೋ ಸ್ವಭಾವ ಹೈ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛಾ ಹೈ. ವೋ ಜಬ ವಿರೋಧ ಮೇ ಥೆ ಮತಲಬ್ ಸರ್ಕಾರ ಮೇ ನಹೀ ಥೆ ತಬ್ ಭೀ ಉನ್ಕಾ ಐಸೆ ವ್ಯವಹಾರ ಥಾ. सत्ता आने के बाद भी उनके कोई व्यवहार में बदलाव नहीं आया है. ऐसे भारतीय राजनीति के हमारे चमक सितारे हमारे इस अधिवेशन के लिए उपस्थित हुए हमारे अधिवेशन के मुख्य अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूँ. वो तो हमको अपने विचारों से अवगत कराए माननीय राजनाथ सिंह. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नीचे बैठ जाओ राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के मंत्री, मेरे प्रिय मित्र, कुशल वक्ता, काल्पनिक क्षमता के धनी श्री रामदास जी अठावले, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव श्री अविनाश जी बहादेकर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के दूसरे महासचिव श्री मोहनलाल जी पाटिल और इस सभागार में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों. बहनों भाइयों, आज का दिन मेरी जिंदगी में एक विशेष प्रकार का यह दिन. लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं और अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सारी सार्वजनिक सभाओं को, बहुत सारे सम्मेलनों को संबोधित किया है और बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो हमारी सहयोगी दल रही हैं उनकी राजनीतिक रैलियों को भी संबोधित किया है. लेकिन मैंने कहा कि हमारे जिंदगी का एक विशेष क्या अवसर है, एक विशेष घटना है. पहली बार अपने किसी सहयोगी दल के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करने का मुझे अवसर था. जहां तक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का प्रश्न है, मुझसे बेहतर आप लोग इस पार्टी के बारे में जानते हैं और रामदास जी अठावले को आज से नहीं, मैं वर्षों से जानता हूं. रामदास जी अठावले के भाषण को सुनकर सहज रूप से कोई भी प्रभावित होता है और आनंदित भी होता है. लेकिन रामदास जी अठावले के प्रति हमारे मन में एक अच्छा भाव क्यों पैदा हुआ? इसलिए पैदा हुआ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की राजनीतिक धाती को अपनी छाती से लगाकर चलने वाला इस हिंदुस्तान की राजनीति में कोई नेता है वो रामदास अठावले. और आज उसकी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस काम को कर रही है, इसलिए मैं उन्हें पसंद करता हूं. 2014 में भारतीय जनता पार्टी को भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था. मुझे किसी भी राजनीतिक दल के सहयोग की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने बहुत कुछ सोच समझ कर चुनाव के पहले ही यह फैसला किया कि सचमुच अंबेडकर की राजनीतिक थाती को अपनी छाती से लगाकर चलने वाली राजनीतिक पार्टी को अपने साथ जोड़ना चाहिए, इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को अपने साथ. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सचमुच जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की धरोहर है बराबर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है.
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया तो एनडीए की एलआई बनी है, वो हमारा पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं था, वो हमारा पॉलिटिकल कमिटमेंट था, इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को हम लोगों ने अपना एलआई बनाया था। और आज हमारी एनडीए गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में अठावले जी ने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, लेकिन मैं वहां के भी आप याद दिलाना चाहता हूं। जिस समय हमारी सरकार ने शपथ लिया था तो हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, शपथ लेने के बाद पहला वाक्य यदि कोई हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था तो यही कहा था कि हमारी यह सरकार हिंदुस्तान के गरीबों को समर्पित है, और कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इस हकीकत को समझते हैं, भारत को यदि हम सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, स्वाभिमानी भारत बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी भारत बनाना चाहते हैं, जब तक इस हिंदुस्तान के दलित शोषित पीड़ित पिछड़े इनका विकास नहीं होगा तब तक हम भारत को सशक्त भारत नहीं बना सकते, स्वाभिमानी भारत नहीं बना सकते। यही एक सोच थी उनकी, यह सोच है हिंदुस्तान के गरीबों को हमें अपने पैरों पर खड़ा करना। बहुत विस्तार में जाकर जो जो कदम गरीबों के कल्याण के लिए अथवा गरीबों के उत्थान के लिए उठाए गए मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन गरीबों को बख्शीश देकर हम जिंदा नहीं रखना चाहते, बल्कि हिंदुस्तान के गरीबों को उनको अपने मजबूत पैरों पर हम खड़ा करना चाहते हैं। यह हमारी सरकार की सोच है और इसी सोच के आधार पर हमारी सरकार तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही है। उनके अंदर एक आर्थिक सुरक्षा का भाव, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी उनके अंदर पैदा हुआ। आपने देखा 3 ऐसी बीमा की योजना है, और सबसे पहले तो यह फैसला किया हमारे प्रधानमंत्री ने, कहा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे गरीब हैं झोपड़ियों में रहते हैं, लेकिन आज तक उनका बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, बैंक का खाता क्या होता है इसे नहीं जानते। उन्होंने संकल्प लिया कि हम एक साल के अंदर ऐसे हालात इस हिंदुस्तान में पैदा करेंगे, एक भी गरीब परिवार भले ही वो खुले आसमान के नीचे क्यों न रहता हो, शेष नहीं बचेगा कि उसका बैंक में खाता न खुल जाए, ऐसा एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सारे हिंदुस्तान में गरीबों के खाते खुले, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा, क्यों सोचा, सरकार के द्वारा कोई भी मदद मिलती रही है, कोई राहत मिलती रही है, सहायता मिलती रही है, बिचौलियों के माध्यम से गरीबों तक आधी अधूरी पहुंचती रही है, कभी कभी पहुंचती ही नहीं रही है, तो इसलिए बैंक अकाउंट खोलने का फैसला किया कि हम गरीब को कोई भी सरकारी सहायता देना चाहते हैं, चाहे वह राज्य सरकार की सहायता हो अथवा केंद्र सरकार की सहायता हो, तो आधी अधूरी नहीं पहुंचनी चाहिए, बल्कि दिल्ली के बैंक के खाते से निकलनी चाहिए। वह गरीब हिंदुस्तान के किसी भी गांव में किसी भी कोने में क्यों रहता हो, सीधे उसका जो सबसे नजदीक का बैंक है उस बैंक के उसके खाते में पहुंच जानी चाहिए और पूरी की पूरी धनराशि पहुंचनी चाहिए। इस सोच के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, महीने में 1 रुपया देकर, महीने में 360 रुपया देकर, इस प्रकार की बीमा योजना केवल गरीबों के अंदर एक आर्थिक सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने इस देश में प्रारंभ किया। यहां तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी कर लोगों ने गाली दिया है मेरे बहनों भाई, और एक कहा है मैं भूल नहीं सकता, वर्षों पहले की बात, भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानती नहीं है, उनके सिद्धांतों पर यकीन नहीं करती, लेकिन हमारी सरकार बनते ही आपने देख लिया क्या किया है हमारी सरकार ने, 125वीं जयंती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस धूमधाम से सारे हिंदुस्तान में और दुनिया में मनाई गई है। मैं कह सकता हूं आजाद भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा जैसा कि हमारे इस एनडीए के शासनकाल में। अभी बता रहे थे हमारे अश्विनी किस तरीके से, चाहे महू हो उनकी जन्मस्थली को,
चाहे चहित भूमि हो अथवा लंदन के जिस घर में रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की थी उसको इंटरनेशनल स्मारक बनाने का प्रश्न, ये सब किसने किया? इतना ही नहीं, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता था संविधान विरोधी है, यह भी लोगों के अंदर दहशत पैदा करने की कोशिश की गई, यदि भारतीय जनता पार्टी आ गई तो संविधान बदल देगी। आरोप लगाने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला यदि किसी ने किया है बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने किया है कि दूसरी सरकार ने नहीं किया। हम कैसे उस संविधान की अवमानना कर सकते हैं जिस संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हो, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा हो। और वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है पिछड़ा है, दलित है, शोषित है, वंचित है, गरीब है, किसान है, जो भी अपने सचमुच अधिकारों से वंचित रह गए हैं उनको अधिकार दिलाना, सबसे पहले उनका कल्याण करना, यही तो कल्याणकारी राज्य में से अपेक्षा की जाती है। और उस भारतीय संविधान को लेकर बराबर हम लोगों को लांछित करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी, है और रहेगी, दुनिया की कोई ताकत से समाप्त नहीं। और तरह तरह की भ्रांतियां पैदा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं दलितों के अंदर, शोषितों के अंदर एक भाव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करने की कोशिश की जाती है। भूलना नहीं चाहिए, रामायण और महाभारत की भी रचना किसी ने की थी तो दलित मां की कोख से पैदा हुई। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी मेरे बहनों भाइयों, और महाभारत की भी रचना किसी ने की थी तो महर्षि वेदव्यास ने की थी। किसने किया था? और इतना ही नहीं, कांस्टिट्यूएंट असेंबली में तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कितने राष्ट्रवादी थे, कितने राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने इतना तक कह दिया था कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, कांस्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसी जाति विशेष का बताने की कोशिश की जाती है, समुदाय विशेष का उनको बताने की कोशिश की जाती है। बहनों भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर न तो किसी जात के थे न किसी मजहब के थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, हैं और रहेंगे, तो भारत के थे, भारत के रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। हमारे प्राचीन भारत में कैसी मान्यता रही है, इस समाज के प्रति कैसा आदर था। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, यह देश कभी संत रामदेव को नहीं भूल सकता, यह देश कभी संत दादू को नहीं भूल सकता, यह देश कभी संत रैदास को नहीं भूल सकता, यह देश कभी संत कबीर को नहीं भूल सकता, और यह देश दक्षिण भारत के तिरुवल्लुवर को नहीं भूल सकता। बहनों भाइयों, इसकी मां की कोख से सारे संत पैदा हुए थे, बराबर इस देश ने इन सभी को सम्मान दिया है। महारानी बिजली पासी, महारानी उदा देवी, महारानी अवंती बाई, झलकारी बाई, किस समाज की है महारानी, जिन महारानियों को इस देश में ने बराबर उन्हें सम्मान दिया है। अनटचेबिलिटी, छुआछूत का यहां तक प्रश्न है। प्राचीन भारत के इतिहास ये बताते हैं बहनों भाइयों, पहले भारत में कोई छुआछूत नहीं था। छुआछूत रहा होता नामदेव जैसे संत, दादू रैदास जैसे संतों के सामने यह हिंदुस्तान अपना सिर न झुकाता, इस हकीकत को भी समझना चाहिए। और यदि किसी को पढ़ना है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उस पुस्तक को पढ़े, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उस पुस्तक को पढ़ो जो लिखा है उन्होंने, हू वेयर सूत्रास,
वेयर सूत्र और उन्होंने कहा है कि आज के दलित वैदिक काल के शूद्र नहीं है। यह बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है वेयर सूत्र की प्रस्तावना लिखते समय उसमें यह बात उन्होंने कही। और आज हमारे भी जब बोल रहे थे रामलाल जाठौले, उन्होंने जातिवाद का की खिलाफत की है। बहनों भाइयों, जाति की वकालत कभी भी, जाति को मजबूत करने की बात कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं की है, बल्कि बदतरीन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद की खिलाफत की है। और यहां तक कि उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात कही है, एनिहिलेशन यानी उसके बिल्कुल समाप्ति की, उसको तिरोहित करने की बात उन्होंने कही है। और आज जातिवाद के आधार पर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं, अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात कही थी, लेकिन आज बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट की बात कर रही हैं। उन्हें अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समझना है तो भारत की संविधान सभा में जो कुछ भी उन्होंने कहा था उसके पन्नों को पलट कर कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समझने की कोशिश करे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने को समझना है, उनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें द अनटचेबल जो उन्होंने लिखी है उसको उठाकर कोई पढ़े। इतना ही नहीं, उनके थॉट्स ऑन पाकिस्तान उसको भी उठाकर कोई सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अच्छी तरह समझ सकता है। और मैं रामदास जी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं केवल अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं केवल सरकार बनाने के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं, समाज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे रामदास जी अठौले ने एक बात और दी, 2014 में तो हम लोग सरकार में आ गए, 2019 में रामदास जी अठौले आज भी आप मंत्री हैं, 2019 में पुनः आप मंत्री बनने जा रहे हैं। आपकी ही सरकार मैंने कहा ना कि रिपब्लिकन ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया को किसी पॉलिटिकल कंपल्शन से एनडीए में नहीं शामिल किया गया है, बल्कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का यह पॉलिटिकल कमिटमेंट था, प्रतिबद्धता थी, इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को। और मेरे बहने भाइयों, ठीक है मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी यह सरकार चल रही है, बहुत सारे लोग अनादल अनाप शनाप झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लोगों के दिलों दिमाग में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार अपने मजबूत कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपकी जो मंशा है, आपका जो सपना है, उस सपना के सपने को हम लोग साकार करेंगे और भारत को एक सशक्त भारत बनाएंगे। आज आप जानते हैं सारी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार करती है, सारी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की है। बहनों भाइयों, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी कंट्री की है तो भारत की। जीडीपी ग्रोथ रेट भी दुनिया में सर्वाधिक यदि किसी देश की है तो भारत की है। भारत तेजी से बदल रहा है, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जैसी राजनीतिक पार्टी के सहयोग की आवश्यकता है। सामाजिक समरसता के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आज भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आज भारत दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में, टॉप 10 की अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, वह दिन दूर नहीं है कि हमारा यही भारत जो आज दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में गिना जाता है टॉप 5 इकोनॉमी में गिना जाएगा और कुछ ही वर्षों के बाद टॉप 3 इकोनॉमी में होगा। और कुछ ही दिनों के कुछ ही वर्षों के बाद हमारा जो है भारत
ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। बस मैं इतना ही आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सबको कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है और भारत को भी हम सबको आगे ले जाने की आवश्यकता है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने मित्र, अपने भाई रामदास जी अठावले के प्रति, जो उन्होंने इस अपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के महाधिवेशन में मुझे आमंत्रित करने की जहमत उठाई है, और इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि दोस्तों आप सब लोगों के बीच आकर आप सबका दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं।